यस, ये आपके सामने सीक्वेंस की डेफिनेशन क्लियर कर दी मैंने, सबके सामने सीक्वेंस की डेफिनेशन आ चुकी है। ओके, ये जो सीक्वेंस मैंने आपके सामने डिस्कस किया, मैंने कहा है खास पैटर्न को कहते हैं और खास पैटर्न सीक्वेंस कहलाता है। सीक्वेंस प्रोग्रेशन सदफ एक ही मीनिंग पर आते हैं, प्रोग्रेशन और सीक्वेंस सेम मीनिंग सेम सेंस पर होते हैं, मतलब कोई खास पैटर्न पर कोई सीरीज कोई सीक्वेंस हमारे सामने मौजूद हो। ठीक है, तो ये सीक्वेंस और ये सीरीज हमारे सामने मौजूद है। सीक्वेंस को भी हमने डिफाइन किया, सबसे पहले चैट में मुझे बताइए सीक्वेंस क्लियर है, जब तक मैं जो है वो अटेंडेंस यहाँ पर ले लूँ। ठीक है, तो जल्दी से आप मुझे क्लियर कर दें कि सीक्वेंस आपको अगर क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, चैट पे आपने इन्फॉर्म करना है, कल आपका अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट था, आप लोगों ने टेस्ट दिया था और माशाल्लाह कॉपीज में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक आपको चेक करके बताऊंगा, नहीं कि किसके कितने मार्क्स, लेकिन ये है कि टेस्ट आप लोगों ने देखा होगा, बड़ा सिंपल था, सिंपल वे में टेस्ट था, कोई मुश्किल नहीं था। ठीक है, और आप सबके सामने है कि हम लोगों ने टेस्ट को बड़ी पाबंदी से दिया है, अभी बस एक टारगेट और बाकी है, एक लास्ट टेस्ट और बाकी है हम लोगों का, और इंशाल्लाह उस टेस्ट के बाद हम फैसला कर लेंगे कि हमारे पास कितने ऐसे जो है वो हम मजीद टेस्ट दे सकते हैं। अभी फॉर्मूला मैंने आपके सामने क्लियर नहीं किया है बेटा, ये फॉर्मूला नहीं रखा है मैंने, ये फॉर्मूला नहीं था आपका, ये जो था मैंने जो अभी आपके सामने डिस्कस किया है, ये बेसिकली एक पैटर्न डिस्कस किया, एक पैटर्न ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी, सीक्वेंस कैसे बन रही है उस सीक्वेंस की पैटर्न को डिस्कस किया। ठीक है, अब मैं फॉर्मूले की तरफ जाऊंगा, अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाएंगे और फिर हम फॉर्मूले को भी देखेंगे। कल मैंने देखा बाकायदा तौर पर, पहले मैं अप्रिशिएट करूंगा तमाम बच्चों को अपने, माशाल्लाह कल मुझे बॉयज़ में भी और गर्ल्स में भी हर बच्चा जो है वो बाकायदा तौर पर बड़े सुकून से टेस्ट देता हुआ नज़र आ रहा था, मतलब ऐसा नहीं था कि उनकी प्रैक्टिस में कमी हो, कि उन्होंने कोई कोई सवाल उन्हें समझ ना आ रहा हो या कोई स्टेप में वो फंस रहे हो, ऐसा नहीं है। प्रॉपर वे में एक एक स्टूडेंट की बात करूंगा, तारीफ़ के काबिल है भाई आप सारे, कि आप सब जो है वो बड़ी ईमानदारी के साथ तरीके से जो है आप लोग टेस्ट दे रहे थे, पेपर की तैयारी करके बैठे थे। मैं ये बात बड़े अप्रिशिएट के साथ कहूँगा भाई, कि मुझे बड़ा फ़ख्र है आप सब पे, इंशाल्लाह ये जो मेहनत अभी आप कर रहे हैं रोज़े की हालत में कर रहे हैं, इसका रिवॉर्ड अल्लाह ताला आपको रिजल्ट की शक्ल में देगा इंशाल्लाह। और अभी बस एक एक और टारगेट और एक और टारगेट अचीव करना ज़रूरी है, और इंशाल्लाह वो है थर्ड टेस्ट आपका, इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को हम लेंगे और जो रिमेनिंग चैप्टर्स आपके बचे हुए हैं हम उससे कवर करते हुए आपका टेस्ट लेंगे, जिसमें आप लोगों की सबसे मेन एक्सरसाइज 13.2 होनी चाहिए। ठीक है, और 13.2 पे वर्किंग करनी है, बाकी चैप्टर 9 बड़ा सिंपल है, 9.2 9.3, फिर हमने लॉज ऑफ टेंजेंट, लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन को भी इसमें शामिल करना है। अब आप लोग मुझे कंसीडर करेंगे कि अगर मैं 3.8 भी शामिल कर लूँ, या आप मुझे मंडे तक इन्फॉर्म करिएगा सोच के, तो ये होगा कि जितना हमने पढ़ा उसकी प्रिपरेशन हो चुकी होगी डेफिनेटली, फिर हमें सीक्वेंस एंड सीरीज पर काम करना बड़ा आसान रहेगा। ओके बेटा, ये मैंने आपके सामने सीक्वेंस को डिस्कस किया, नाउ अब आपके सामने जो है वो टाइप्स ऑफ सीक्वेंस डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस की टाइप होती है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है, एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन होती है, ये तीनों आपके पास प्रोग्रेशन या सीक्वेंस की टाइप है, और ये तीनों आपके 6.1 से लेकर 6.9 तक पूरे चैप्टर को कवर करती हैं। लेकिन क्योंकि रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग 6.12 आ रहे हैं, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है और 8 आ रहा है, यानी कि बीच में कुछ एक्सरसाइजेस हैं वो जो नहीं आ रही, और वो इसी वजह से नहीं आ रही क्योंकि उन्होंने इन तीनों को कवर करना था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये पहली डेफिनेशन आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं AP, A.P। अब ये किस किस्म की सीक्वेंस है? अ सीक्वेंस इन विच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, सो सच सीक्वेंस इज सेड टू बी अर्थमेटिक सीक्वेंस। कह रहे हैं ऐसी सीक्वेंस जो कि क्या चीज बता रही हो, इन विच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर, मतलब उससे उस टर्म में
एक फिक्स नंबर ऐड कर दिया तो एक नया नंबर आपके सामने आ गया, और वो फिक्स नंबर के बाद एक और नंबर उसमें ऐड कर दिया तो एक और टर्म आपके सामने आ गई, और फिर एक और टर्म ऐड कर दी तो उसमें ऐड करने का इसमें खास रूल है। मतलब कि यहाँ अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन में ऐड करना आपको समझाया कि फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, तो अगर मैं वन में फिक्स नंबर ऐड कर दूँ थ्री, तो वन प्लस थ्री कितने हो गए फोर, से थ्री में थ्री ऐड कर दूँ तो फिर वो कितने हो जाएंगे, वो फिर आपको फोर में जब मैं थ्री ऐड कर दूंगा तो वो सेवन हो जाएंगे। तो इन सब में देखो एक खास नंबर ऐड हुआ है, वो थ्री है, ठीक है। तो बताने का मकसद ये, सीक्वेंस इन विच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, सो सच सीक्वेंस इज सेड टू बी अर्थमेटिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक का वर्ड आपको सम से भी समझ में आ रहा होगा, प्लस करना माइनस करना, ये अर्थमेटिक में शामिल होता है। तो इन्होंने अर्थमेटिक को एक खास नंबर, फिक्स नंबर को, फिक्स नंबर कोई भी हो सकते हैं, सीक्वेंस पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने अभी आपके सामने एक सीक्वेंस बैठे बैठे बना ली, और वो सीक्वेंस इस तरह बनाई कि हमारे पास एक नंबर वन है उसमें मैं थ्री ऐड कर दूँ तो वो फोर हो जाएगा, यानी अगली टर्म हमारी कौन सी हो जाएगी फोर, फोर में फिर थ्री ऐड कर दूँ तो वो सेवन हो जाएगा, तो वो एक खास सीक्वेंस खुद ब खुद मेंटेन होना शुरू हो जाती। तो इसमें इन्होंने बात बोली कि वो फिक्स नंबर मे बी एक पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है इधर, या फिर नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। ये भी है कि सीक्वेंस मे बी इंक्रीजिंग साइड पर भी जा सकती है, और सीक्वेंस मे बी डिक्रीजिंग साइड पर भी जा सकती है। इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी होती है और डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी होती है। इंक्रीजिंग जिसमें नंबर जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा हो, और डिक्रीजिंग सीक्वेंस मतलब जिसमें नंबर नेगेटिव साइड पर आ रहा हो, कम हो रहा हो। इस फिक्स नंबर को अगर हम कंसिडर करें तो ये एक कॉमन डिफरेंस बता रहा है। कॉमन डिफरेंस से बता दिए कि जब मेरा पहला नंबर वन था और दूसरा नंबर फोर है और तीसरा नंबर सेवन है, तो अगर मैं सेवन में से फोर माइनस करूंगा थ्री आएगा, फोर में से वन माइनस करूंगा थ्री आएगा। तो डिफरेंस इसको कहते हैं माइनस करने को। जब हम एक फिक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं तो इनका कॉमन डिफरेंस भी सेम होगा, ऑल दो ये दोनों मतलब में एक ही नंबर बता रहे हैं, बट इन सिम्बॉलिकली इनका मतलब डिफरेंट है। ऐड हम फिक्स नंबर कर रहे हैं और सबट्रैक्ट डिफरेंस बता रहे हैं, कॉमन डिफरेंस। द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स of an arithmetic sequence is called its common difference. जब हम दो consecutive terms को arithmetic sequence में लेकर आएंगे तो वो common difference जो है arithmetic sequence का common difference दो term को minus करने के बाद बनेगा। अच्छा, आप लोगों ने screenshot साथ साथ लेना है, और फिर कोई भी एक student जो है वो सारी class का screenshot मुझे फिर send कर देगा। ये था टाइप्स ऑफ सीक्वेंस की पहली टाइप, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कोई फिक्स नंबर उसमें ऐड होगा, जब फिक्स नंबर ऐड होगा तो वही फिक्स नंबर जो है बेटा वो आपका जनाब फिक्स नंबर से एक नई टर्म खुद ब खुद आ जाएगी। ये आपके सामने अब फॉर्मूला आ रहा है अर्थमेटिक सीक्वेंस का, जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये फॉर्मूला है टी एन, टी एन नंबर ऑफ टर्म जिसको हम कहते हैं, टी एन जिस टर्म की हम बात कर रहे हैं, Tn बराबर है a प्लस एन माइनस वन डी, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये Tn क्या कहलाता है, टर्म ऑफ सीक्वेंसेस, और a कहलाता है फर्स्ट टर्म, यानी जो फर्स्ट टर्म हमारी होगी, लेट सपोज वन थी हमारी फर्स्ट टर्म, तो वो फर्स्ट टर्म हमारी वन है तो इट मीन्स Tn में जो a होगा ना वो हमारी फर्स्ट टर्म को कंसिडर करेगा। n n आपके पास क्या है भाई, n जो है वो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स है, और d जो है बेटा वो आपके पास कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। d का मतलब भी मैंने आपको बताया था कि d को भी आप इसको सोचेंगे d क्या है, तो वो कॉमन डिफरेंस है। तो ये है जनरल सीक्वेंस, जनरल टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डी। अब सवाल में आपको फर्स्ट टर्म दी जाएगी, a दिया जाएगा, सबके पास हो रही है बेटा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि भाई a फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, d कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो ये आपके सामने जो है अभी मैंने tn का जो फॉर्मूला शो किया है, वो फॉर्मूला क्या है, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डी, a प्लस n माइनस वन डी,
टर्म ऑफ द सीक्वेंस, फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, कॉमन डिफरेंस। अब सीरीज आ रहा है, देखें मैंने आपको कहा इस चैप्टर के दो नाम है, एक सीक्वेंस एंड एक सीरीज, ठीक है। सीक्वेंस तो हमने डिस्कस कर लिया, कोई खास पैटर्न पर वो सीक्वेंस बनी होनी चाहिए, जिसमें अर्थमेटिक सीक्वेंस ने बताया कि भाई फिक्स नंबर ऐड होता है। बट अगर हम सीरीज को डिस्कस करें तो अ सीरीज इज डिफाइंड टू बी द सम ऑफ द टर्म ऑफ द सीक्वेंस। उन्हीं सीक्वेंस को जब हम प्लस कर देते हैं तो वो सम सीरीज बन जाती है। सीरीज को डिनोट किससे करते हैं, एस एन से, एस एन, सम ऑफ सीरीज, ठीक है। कंसीडर अ फाइनाइट सीक्वेंस, हमारे पास एक फाइनाइट सीक्वेंस है, 3, 5, 7 and 2n+1, ये हमारे पास एक फाइनाइट सीक्वेंस है। इसको कंसीडर ऐसा रखिएगा कि कॉमा लगा हुआ है नंबर्स के बीच में, तो उसको हम सीक्वेंस कहेंगे। लेकिन जब मैं इन्हीं सीक्वेंस का सम करूंगा, 3 + 5 + 7, तो ये उस बच्चे के सिनेरियो को क्लियर कर रहा है जो कि क्लास 4 के बच्चे ने बताया उस टीचर को कि जब मुझे 1 से लेकर 99 तक के नंबर्स ऐड करने हैं और मुझे ऐड करते हुए फाइनल नंबर ये बताना है कि मेरा सम क्या निकलेगा, तो उसने एक पैटर्न डिजाइन कर लिया और उस पैटर्न को उसने एक फॉर्मूले की शक्ल दे दी। और वो फॉर्मूला क्या शक्ल इख्तियार करा वो मैं आपके सामने यहाँ पर ओपन करता हूँ। पहले इस बात को आप क्लियर करिएगा कि सीरीज उन सीक्वेंस के सम को कहते हैं। जब हम उन्हीं सीक्वेंस को सम कर लेंगे तो वो किसकी शक्ल इख्तियार करेगा, वो सीरीज बन जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट किसी मैथमेटिशियन ने नहीं बताया, ये छोटे बच्चे ने एक सिनेरियो क्रिएट किया, उसके सामने उसके टीचर ने एक टारगेट रखा, उसने उस टारगेट के बारे में सोचते हुए अपना दिमाग चलाया और साथ साथ उसने एक सीरीज मेंटेन करी, सीक्वेंस के साथ उसने एक सीरीज मेंटेन करी। ओके, लेट सपोज अर्थमेटिक सीरीज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ये आपके सामने अर्थमेटिक सीरीज है जिसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो क्या होगा, द सीरीज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक सीक्वेंस इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक सीरीज। फैस कनेक्ट करके जरा मुझे दिखाना कैसा लगा। द सीरीज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक सीक्वेंस इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक सीरीज, मतलब इन्हीं सीक्वेंस को जब हम ऐड कर लेंगे तो वो एक अर्थमेटिक सीरीज बन जाएगी। लेट एस एन बी द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। एस एन जो है वो 10, शुरू की फर्स्ट एन टर्म्स कह दो, 10 टर्म कह दो, 5 टर्म कह दो, 6 टर्म कह दो, उनका सम है। एस एन को इस तरह आप लेंगे कि शुरू की 5 टर्म मैंने ऐड कर ली, लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है 1, 1+2+4, 3+4+5, मैं बोलूँ अगर आप इनको ऐड कर लो तो ये 15 नंबर बनेंगे, तो ये एस एन हो गया कि जो 5 टर्म का सम हो गया। तो लेट एस एन बी द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी, उस फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, देन एस एन। अब देखो जो सीक्वेंस मैंने आपको पहले बनाई a+2d a+3d, उन्हीं सम उस सीक्वेंस को मैं ऐड कर रहा हूँ। उन्हीं सीक्वेंस को मैं ऐड करने के बाद फॉर्मूला ये वाला बनाऊँ। फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ सीरीज का, अर्थमेटिक सीरीज के सम का फॉर्मूला क्या है, देखो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला था, tn = a+n-1d। बट ये जो आपके सामने है ये आपके पास सेकंड फॉर्मूला आ रहा है, sn = n/2 2a+n-1d, ये आपके सामने फॉर्मूला है सम ऑफ सीरीज की किसी भी टर्म को निकालने का, कि जब मेरे पास कोई नंबर ऑफ टर्म्स ये हो और मुझे कहा जा रहा हो कि उसके सम ऑफ सीरीज निकालिए, सम ऑफ टर्म निकालिए, 8 नंबरों का सम निकालिए, 10 नंबरों का सम निकालिए, तो मैं एस एन की जगह वर्ड यूज़ करूँगा। अगर मुझे 8 नंबरों का सम निकालना है तो मैं s8 यूज़ करूँगा, अगर मुझे 10 नंबरों का सम निकालना है तो मैं s10 यूज़ करूँगा। तो कहने का मकसद क्या है कि कभी भी हम टर्म्स को सम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो n/2 2a+n-1d ये आपके पास सम ऑफ टर्म्स है। नाउ नेक्स्ट आपके पास जो सीक्वेंस है
वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अच्छा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सेकेंड टाइप हो गई आपकी सीक्वेंस की, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, और आखिरी टाइप आपकी हार्मोनिक प्रोग्रेशन होती है। इन तीनों को मिलाकर आपकी आठ एक्सरसाइज, जो कि अब रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास कोई पांच एक्सरसाइज आएंगी, हम इन सीरीज को बकायदा तौर पर इनके क्वेश्चंस भी देखेंगे और फिर इनको इनके असाइनमेंट्स भी सॉल्व करेंगे। अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोसीडिंग बाय मल्टीप्लीकेशन बाय अ कॉन्स्टेंट नंबर इज कॉल्ड अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है, अर्थमेटिक सीक्वेंस के बारे में क्या पढ़ाया कि वो एक खास नंबर ऐड कर रहा है, जबकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के बारे में क्या पढ़ाया कि वो एक खास नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन बाय अ कॉन्स्टेंट नंबर। तो काफी हद तक आपको इसकी जो मीनिंग है वो क्लियर हो रही होगी कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो एक अलग मायने बता रहा है और जो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो एक अलग मायने बता रहा है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में खास फर्क जो आपके सामने नजर आ रहा है वो ये है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो जनाब आपके सामने कॉन्स्टेंट नंबर शो करता है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक कॉन्स्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके आ रहा होता है। नेक्स्ट आपके सामने जो डेफिनेशन है वो है कॉमन रेशो की। अब जिस तरह वहाँ पर कॉमन डिफरेंस होता है, यहाँ पर कॉमन रेशो होता है। क्या डेफिनेशन है जरा देखिएगा, द कॉन्स्टेंट रेशो ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ अ जीपी, जीपी मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यानी जब हमने देखा प्लस वाले के साथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो वहाँ कॉमन डिफरेंस था, तो मल्टीप्लीकेशन के अंदर कॉमन रेशो होगा। आप जानते हैं मल्टीप्लाई डिवीजन एक साथ होते हैं और प्लस और माइनस एक साथ होते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन बाय अ कॉन्स्टेंट नंबर मीनिंग क्या है कि कॉमन रेशो होगा, रेशो कॉमन होगा। इट मीन्स द कॉन्स्टेंट रेशो ऑफ एनी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म ऑफ एन जी बी इज कॉल्ड कॉमन रेशियो, इट इज डिनोटेड बाय आर। ये आपके सामने एक सीरीज आ रही है 1, 2, 4, ये सीक्वेंस है 1, 2, 4, 8, और मैं चाहता हूँ उसका कॉमन रेशियो निकालो। तो मैं क्या करूँगा, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके चेक करूँगा। सेकेंड टर्म निकालूँ तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके चेक करूँगा, तो क्या होगा, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म से डिवाइड होगी। सेकेंड टर्म अगर फर्स्ट टर्म से डिवाइड होगी तो हमारे पास ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, टू डिवाइडेड बाय वन कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो आया 2। इसी तरह 4 डिवाइडेड बाय 2 कॉमन रेशियो आया 2। 8 डिवाइडेड बाय 4 कॉमन रेशियो आया 2। यानी हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो रेशो है, ये थोड़ा मैंने गलत लिख दिया है, 4 डिवाइडेड बाय 8 नहीं होगा, 8 डिवाइडेड बाय 4 होगा। हमेशा नेक्स्ट टर्म पिछली टर्म से डिवाइड होगी, तो जो रेशो होगा ना बेटा वो सेम रहेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये जो स्टार्टिंग बातें होती हैं यही सबसे बड़ी बेसिक बातें होती हैं, एमसीक्यूज भी निकाल देती हैं ये काफ़ी। तो जो कॉमन रेशो होगा वो काफ़ी सेम होगा, मतलब 4 डिवाइडेड बाय 2 रेशो निकला 2, 8 डिवाइडेड बाय 4 रेशो निकला 2, तो रेशो कॉमन रहेगा इसमें, ये इसका एक खास मकसद है। और इसका जो फॉर्मूला जनाब आपके सामने है वो है TN इज इक्वल टू AR n-1। अच्छा, AR की पावर है n-1, AR की पावर है n-1, ठीक है, ओके। तो ये आपके सामने जो है वो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला डिस्कस कर लिया, TN इज इक्वल टू AR, R की पावर है n-1। ये फॉर्मूला किसका हो गया, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस निकालने का। अब A इसमें क्या है, A इसमें फर्स्ट टर्म है, R इसमें कॉमन रेशियो है, और N आपका टोटल नंबर है। इसको हम बाकायदा तौर पर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फॉर्मूला यहाँ पर देखते हैं।
तो बहरहाल आपके सामने मैंने फर्स्ट जो डिस्कशन करी वो आप सारे जानते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज में सीक्वेंस की डेफिनेशन डिस्कस करी, सीक्वेंस बताया एक खास पैटर्न को, और उसके बाद मैंने आपके सामने सीक्वेंस का एक पैटर्न डिज़ाइन किया, और फिर हमने बाकायदा तौर पर सीक्वेंस के बाद हमने टाइप्स ऑफ सीक्वेंस डिस्कस करी। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन को डिस्कस किया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है? अ सीक्वेंस इन विच टर्म इज ऑब्टेंड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। अर्थमेटिक सीक्वेंस में खास नंबर ऐड हो रहा होता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, तो उनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। फिर हमने यहाँ पर नेक्स्ट जो डिस्कशन करी वो उसका फॉर्मूला देखा, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, और ए जो है आपकी फर्स्ट टर्म कहलाता है, एन जो है नंबर ऑफ टर्म्स कहलाता है, जैन बेटा आप डिस्टॉर्शन ना करें, डी जो है वो कॉमन डिफरेंस कहलाता है। सीरीज इज डिफाइंड टू बी सम ऑफ द टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय एसएन, कंसीडर अ फाइनाइट सीक्वेंस। और फिर हमने उन सीक्वेंस को जब सम किया तो वो सीरीज की शक्ल इख्तियार करी, जिसे हमने एसएन से शो किया, और अर्थमेटिक सीरीज को हमने बाकायदा तौर पर डेफिनेशन में देखा। अच्छा, 6.1 आपकी अर्थमेटिक सीक्वेंस है, 6.2 आपकी अर्थमेटिक सीरीज है, 6.4 आपकी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, 6.5 आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज है, और 6.8 आपकी हार्मोनिक सीक्वेंस और हार्मोनिक प्रोग्रेशन साथ आती है। इसमें एक और चीज़ भी आती है, हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, बट अब वो आपका जो है रिड्यूस हो गया है, बट मैं बताऊंगा कि मीन क्या होता है। किसी भी दो नंबर के बीच में हम कोई मीन को ढूंढ सकते हैं, और ढूंढने का तरीका ये वाला होता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट हमने देखा वो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपके सामने है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमने देखा कि एक खास नंबर मल्टीप्लाई होता है तो उनका जो कॉमन रेशियो होता है वो कॉन्स्टेंट रहता है। तो आज की जो क्लास में डिस्कशन करनी थी वो इतनी ही करनी थी। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के हवाले से इतना ध्यान में रखना कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है वो रेसिप्रोकल है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है, ठीक है। तो जल्दी से मुझे ज़रा आप लोग चैट पे बता दीजिए, जो क्लास मैंने आज आपके लिए है क्या वो तमाम बच्चों को क्लियर है? जो बेसिक्स मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो आप तमाम बच्चों के क्लियर है? जल्दी से शाबाश, ताकि फिर मैं एक दफ़ा और अटेंडेंस देख लूँ, ठीक है। ज़रूरी है बेटा क्लास को इस तरीके से लेना, क्योंकि कोविड की सूरत हाल आपके सामने है, कभी भी कुछ भी पॉसिबल है। तो अपनी क्लासेस को हम इसी तरह ऑनलाइन के ज़रिए कंटिन्यू रखेंगे, ताकि फिर आपकी चीज़ें और कोर्स मुकम्मल तौर पर चलता रहे, ठीक है भाई। तो ये आपके सामने मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं, इसका स्क्रीनशॉट जिस जिसने लिया है कोई एक स्टूडेंट जो है वो मुझे व्हाट्सअप कर दे मेरे प्राइवेट में, ताकि मैं ग्रुप में शेयर कर दूँ, बाद में इसको अपने पास आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हार्मोनिक प्रोग्रेशन इंशाल्लाह भी नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। हाँ, रिकॉर्डिंग मैं इसको यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, आप यूट्यूब चैनल से इसको उठा लीजिएगा, सही है, और लाजमी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो हाँ, कॉपी करना है इसको, लाजमी कॉपी करना है, बिल्कुल। तो तमाम बच्चों को मैं अभी स्क्रीन शॉट इसके सेंड कर रहा हूँ, फिर इसको कॉपी कर लीजिएगा इंशाल्लाह। अब हमारी क्लास जो भी नेक्स्ट होगी, कल तो फिजिकली होगी, लेकिन ये कि फिर जब नेक्स्ट ऑनलाइन होगी तो मैं इन्फॉर्म कर दूँगा। अभी कंफर्मेशन नहीं है बेटा, देखिए, लेकिन कुछ भरोसा नहीं है। कल आप तमाम बच्चे मार्क्स के साथ आएंगे, वे कल आपको पता है इलाके में फौज और रेंजर्स के एहलकार जो हैं वो राउंड पर होंगे और सख्ती कर रहे होंगे लॉकडाउन की SOPs को फॉलो करवाने में। तो लाजमी तौर पर जो है ना वो आप लोगों ने जो है ना कल मार्क्स के साथ प्रॉपर बाहर निकलना है, तो मार्क्स के साथ निकलना है। वैसे ही मौसम कोई ख़राब है, मार्क्स के साथ निकलेंगे ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो इसलिए मार्क्स के साथ आप लोगों ने कल सेंटर आना है, और SOPs को फुल तौर पर यकीनी बनाना है, वो ज़रूरी है, ठीक है भाई। तो भाई क्लास को एंड करते हैं, और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप पर आप फीडबैक दीजिएगा आज की क्लास का, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।